मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं, आप सभी का हमारे YouTube परिवार शिवा शक्ति तंत्र रहस्य में तहे दिल से स्वागत है। और आप लोग काफ़ी लंबे समय से हमारे इस परिवार से जुड़े हुए हैं, तो आज हम आप लोगों को माता मरघट वाली का मंत्र और पूरी विधि विधान साधना आपको हम देंगे, ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। और साधना करने से पहले, जैसा कि आपको साधना के विषय में जानकारी होनी चाहिए कि यह साधना कौन सी है और इससे आप कैसा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपको यह बात नहीं पता है तो फिर साधना करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद साधना का जो नियम होता है यह भी आपकी जानकारी में होना चाहिए, साधना का पूरा विधि विधान आपके पास होना चाहिए और आप किसी अपने योग्य गुरु की देख देख में यह साधना संपन्न करें। यह साधना जो है बहुत ही उग्र साधना है और बहुत ही अच्छी साधना है। खासकर यह साधना शत्रुओं को परास्त करने के लिए की जाती है। और अगर आप अध्यात्म लाइन में आना चाहते हैं, यानी आप गद्दी धाम लगाना चाहते हैं, तांत्रिक बनना चाहते हैं, तो यह साधना आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप सिर्फ अपना भला चाहते हैं तो आप फिर यह साधना ना करें, क्योंकि यह साधना जब आप सिद्ध कर लेते हैं इस पे आपकी अच्छी खासी मेहनत लगती है। तो आप अगर मेहनत करें तो इसका लाभ उठाएं, अपना भी लाभ उठाएं और जो सामने वाला जो व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको भी लाभ पहुंचाएं। और उसके बदले में आप चाहें अपनी दक्षिणा लें या ना लें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये मरघट काली की साधना है और ये साधना मरघट में की जाती है, यानी कि आप बहुत विशेष ध्यान से सुनिएगा। शमशान में जहाँ पे नित्य लोग साधनाएं करते रहते हैं और साधनाओं में आप यहाँ पे लाशें वगैरह जलती रहती हैं, आप यहाँ वहाँ पे साधना आप शमशान भूमि में ना करके आप मरघट में करें, यानी कि जहाँ पे कभी कभी लाशें का दाह संस्कार किया जाता है, जलती हैं, आप वहाँ करें। और ऐसी जगह ये साधना करें जहाँ पे एकांत हो, यानी वहाँ पे एक पार्क वाला माहौल ना हो, एक शांत माहौल हो, वहाँ पे लोगों का ज़्यादा आना जाना ना हो। और ये साधना आप शमशान भूमि में, अगर कहीं पीपल का पेड़ है या बरगद का पेड़ है या नीम का पेड़ है, तो आप इस ऐसे किसी वृक्ष के जड़ पे बैठ के, यानी उसके नीचे बैठ के आप ये साधना करें। और ये साधना आप ये मत सोचे कि मैं कम दिनों की कर रहा हूँ, साधना जब आप करेंगे तो साधना के समय आपके पास सुरक्षा कवच बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, यानी आजमाया हुआ होना चाहिए। और अपने गुरु से अनुमति लेकर के आप ये साधना करें। साधना में आपको स्वयं काले वस्त्र पहनने हैं, भोग के लिए बकरे की कलेजी और शराब आप देसी शराब का प्रयोग करेंगे। आप एक मिट्टी के कसोरे में कलेजी रखें और एक मिट्टी के कसोरे में आप 5 प्रकार का मीठा रखें माता के भोग के लिए, और एक कसोरे में प्याले में आप शराब रखें। धूपबत्ती, अगरबत्ती, लौंग, कापूर, नींबू, ये सामग्री रखें। और जब साधना आपकी प्रथम दिन आप संपन्न कर लें तो आप नींबू को मंत्र पढ़ते हुए कट करें, बीच से कट करने के बाद उस पर लौंग और कापूर रख कर के जलाएं और माता से कहें, माता अपना भोग आप स्वीकार करें। और ये जो आप भोग देंगे, ये आप जो सुरक्षा दायरा होगा आपका, जिसे बोलते हैं कुंडल, यानी एक चाकू ले लीजिएगा, उस पर सुरक्षा मंत्र पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद 7 बार या 11 बार अपने जहाँ पे आप आसन लगाए हैं, आसन से लगभग
डेढ़ मीटर की दूरी पे या दो मीटर की दूरी पर से एक चौकोर राउंड एक गोलाकार बना ले सुरक्षा कवच निशान, आप इस सुरक्षा कवच के अंदर ही रखेंगे। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब आप साधना में बैठ जाएं तो फिर सुरक्षा घेरे से मत निकलें, क्योंकि एक बार आपके निकलने के बाद आपका सुरक्षा घेरा कट जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप 11 माला उसी अंदर कवच के अंदर जो आपने घेरा बना रखा है उसके अंदर बैठ के जाप करेंगे, कपड़े पे सारा भोग रखेंगे और अपना स्वयं काला कपड़ा का आसन रखेंगे और उस पर आप बैठेंगे। और अगर वहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, यानी कि आपके आसपास कोई व्यक्ति है, तो आप वहाँ पे साधना कतई न करें। और आप ये साधना जो करेंगे निःवस्त्र करेंगे, बिल्कुल आपके शरीर पे किसी प्रकार का कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए। यह तामसिक साधना है, कपालिक साधना है, यह साधना आप बहुत ही सोच समझ के करें। और जब आपका साधना में अनुभव होने लगे तो ये अनुभव आप किसी से ना बताएं, और जो आपके गुरु हैं सिर्फ उन्हें बताएं। और जब आप साधना कर रहे हो तो भयभीत ना हो, क्योंकि आप शक्ति का आवाहन कर रहे हैं और आपको दिशा जो रखनी है वो दक्षिण की रखनी है। और आप अपने पास जो माला का प्रयोग करेंगे वो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करेंगे, और मंत्र जो है आप मंत्र को नोट कर लीजिए। मंत्र बहुत ही तीक्ष्ण मंत्र है और मंत्र में ओम नहीं लगेगा, आप मंत्र में ओम नहीं लगाएंगे, मंत्र आप लोग नोट कर लीजिए। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं, मंत्र पुनः आप सुन लीजिए और मंत्र को कंठस्थ पहले आप याद कर लीजिएगा। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं, आप इस मंत्र को जाप करें। और जब यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा या सिद्धि हो जाएगी तो यह प्रत्यक्ष साधना है। इसमें माता काली आपको प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं और 41 दिन की यह साधना है। आप 41वें दिन अपने साथ एक माला रखिएगा, और माला जो है गुलाब पुष्पों की रखिएगा, या जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो वो पुष्प की माला बना के रखिएगा। अंतिम दिन माता काली के खप्पर में आप जो है शराब और कलेजी का भोग दे देंगे और माला पहना देंगे। अगर माता प्रत्यक्ष नहीं होती हैं तो एक आप वहीं शमशान के पास में जो मटकी होती है, आप उस मटकी को माता काली का खप्पर मान करके उसी में भोग रख देंगे और उसी के ऊपर माला चढ़ा देंगे और आपकी पूजा सम्पन्न हो जाएगी। और आप देखेंगे जब भी आप यह मंत्र पढ़ेंगे तो माता शमशान काली की कृपा से, मरघट वाली काली कृपा से आपके सारे कार्य होंगे। और इसमें प्रेत भूत बेताल कई प्रकार की शक्तियां, अघोरी कई प्रकार की शक्तियां इसी मंत्र में सिद्ध होती हैं, जिसे एक आम भाषा में कहते हैं लक्षर। लक्षर का मतलब है जिसकी कोई गिनती संख्या नहीं है, इतनी संख्याओं में शक्तियाँ चलती हैं। और जब आप धाम लगाएंगे गद्दी लगाएंगे तो आपको ऐसी ही साधनाओं की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप किसी भी शक्ति को उठाना, उसे कैद करना, उसे झाड़ा लगाना, और आपके पास अनेक शक्तियाँ होनी चाहिए। तो जो इच्छुक हैं धाम गद्दी लगाने वाले व्यक्ति, वो इस तरीके की साधनाएँ अपने पास रखें और करें। और इस साधना से रिलेटेड अगर कोई आपको जानकारी लेनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिएगा, आपको जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और जो व्यक्ति दीक्षा लेना चाहते हैं वो दीक्षा ले सकते हैं, और किसी भी साधना से जुड़ी आप जानकारी जो प्राप्त करना चाहते हैं आपको यहाँ से उपलब्ध करवाई जाएगी। और जो पूर्व में आपने साधनाएं कर रखी हैं उनमें किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये साधना आप बहुत सोच समझ के करेंगे और अपने गुरु की देख देख में करेंगे। और ये साधना अगर आप करते हैं तो इसमें लाभ और हानि की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।